दिस इज वीडियो नंबर 20 ऑफ वेक्टर्स, और इस वीडियो के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर. दिस इज द फर्स्ट वन. क्या पूछा गया है इधर? प्रूव दैट द वेक्टर्स ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस आर पैरेलल टू ईच अदर. हमें बताना है कि ये पैरेलल हैं या नहीं है. हमें क्लियर कट एक बात मालूम है कि जो आपका ए क्रॉस बी होता है ये जीरो कब हो सकता है. पहली बात तो ये जीरो कब हो सकता है? जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा. और भी कंडीशंस हैं, ए जीरो हो जाए, बी जीरो हो जाए तो भी जीरो हो जाएगा, लेकिन थीटा जब जीरो होगा, ए और बी तो जीरो है नहीं, सामने दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी अगर जीरो हो रहा है तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू जीरो है या थीटा इक्वल टू 180 है, क्योंकि दोनों में साइन क्या होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन 180 भी जीरो होता है. इसलिए हम अगर हमने इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया और रिजल्ट अगर जीरो आया तो मुझे पता चल गया एंगल या तो जीरो डिग्री है या तो 180 डिग्री है. यानी कि इन दोनों का मुझे क्या लेना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट, विच टेक्स टाइम. उसको टाइम लगेगा थोड़ा, डिटर्मिनेंट निकालना है, आई जे के ये सब लिखना है. एक शॉर्टकट है वो आपको ये भी बता देगा, इवन आपको जब आप ए क्रॉस बी लोगे और आपका आंसर जीरो आ गया तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि एंगल जीरो डिग्री है या 180 डिग्री है. एंगल जीरो आए तो पैरेलल होता है, एंगल 180 आए तो एंटी पैरेलल होता है. ठीक है, आओ चेक करें. दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है कि आप इसकी रेशो लो, आई वाले के कोफिशियंट की आई के साथ, यानी कि 2/-6. इसकी भी लो, दूसरे वाले की क्या आया? -3/9. तीसरे वाले की भी लो, क्या आया? -1/3. क्या ये तीनों बराबर हैं? बिल्कुल हैं. किसके बराबर हैं? -1/3 के. माइनस के हैं, अगर ये माइनस आए जिसके ये बराबर हैं, तीनों माइनस आए ना, तो अगर ये माइनस आए तो एंगल इन दोनों के बीच में 180 डिग्री है और ये दोनों एक दूसरे के साथ एंटी पैरेलल हैं. लेकिन पेपर में अगर ये पैरेलल लिख के आए इस तरह से प्रूव करने के हो तो प्रिसाइज आंसर इसका एंटी पैरेलल है, बट आप एंटी पैरेलल को भी पैरेलल बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन प्रिसाइज आंसर इज कि ये एंगल 180 डिग्री है. अगर ऑप्शन में 0 डिग्री भी हो और 180 डिग्री भी हो तो मैं किसको टिक करूंगा? 180 डिग्री को. तो वही हमने किया है यहाँ पे, मैंने बिल्कुल करके दिया है. ठीक है, उसके बाद मैंने ना एक और चीज़ की है यहाँ पे, मैं आपको साइड पे रफ किया हुआ है मैंने, देखो आप देख सकते हो यहाँ, ये मैंने रफ में क्या किया हुआ है, ये मैंने कॉस थीटा निकाला हुआ है जो हम डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करके निकालते हैं. कैसे? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी से आपको क्या मिल जाता है? कॉस थीटा. वो मिल गया यहाँ, मैंने किया है ये सब सॉल्व करके देखा तो आंसर -1 आया. तो यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू -1 आया, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री. तो डॉट प्रोडक्ट आपको एग्जैक्ट आंसर दे देता है कि एंगल कितना आएगा. ठीक है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट ये नहीं कर पाता है. इसलिए जब एंगल फाइंड करने को बोला जाए दो वेक्टर्स के बीच में, डॉट प्रोडक्ट इज अ बेटर मेथड, जब प्रिसाइज एंगल फाइंड करना हो. लेकिन यहाँ पे प्रिसाइज एंगल का क्वेश्चन नहीं था, इसलिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट को यूज किया. रादर क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज नहीं किया, मैंने एक अल्टरनेट मेथड दिया है, और पैरेलल को चेक करने के लिए यही मेथड आप हर बार यूज करोगे. अगर इसका आंसर प्लस में आता तो हम बोलते पैरेलल, अगर आंसर नेगेटिव में आता तो हम बोलते एंटी पैरेलल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करके रख लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेलोग्राम. एक पैरेलोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना है जिसकी एडजेसेंट साइड्स, पैरेलोग्राम ऐसा हो गया, जिसकी एडजेसेंट साइड्स आपको दी हुई हैं वेक्टर फॉर्म में. क्या दी हैं? ये लिखी हैं मैंने. तो आपने सिंपल बात याद रखनी है कि इन दोनों का भी आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है. जो आपको वेक्टर दिए हैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लो, आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा एरिया. याद रखना, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. बस याद रख लो, क्यों होता है, क्या होता है, ये 12th में जाके हम पढ़ते हैं. एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अभी मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा, बस आप इतनी बात याद रखो. इधर से ही हमें पता चल गया कि एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी है, और उसका आंसर क्या आया? 33K. वो क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, जैसे लेते हैं डिटर्मिनेंट को यूज़ करके, आपको सिखाया मैंने, उसको यूज़ करो और डिटर्मिनेंट को यूज़ करके आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ अ. देखो अब एक और चीज़ देखते हैं, ये ए वेक्टर जो है ये कहाँ लाई कर रहा है? एक्स वाई प्लेन में. और ये कहाँ लाई कर रहा है?
एक्स वाई प्लेन में, यानी आपकी पैरलोग्राम कहाँ लाई कर रही है, एक्स वाई प्लेन में। अगर ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है तो जब मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो आंसर तो ऑब्वियसली एक्स वाई प्लेन, आप समझना चाहिए आपने एक्स वाई प्लेन। जैसे मैंने आपको वो रूम का एक पिक भेजी थी पाइप वाली, और उसमें आपको बताया था कि आपका जो फ्लोर है उसको आप एक्स वाई प्लेन मान लो। तो अगर मैं फ्लोर पे एक पैरलोग्राम बनी है और फ्लोर पे अगर दो वेक्टर्स हों, से लाइक दिस, अगर दो वेक्टर्स हों और उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट लो, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है वो हमेशा उसके नॉर्मल होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। और परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स क्या होगा, एक्स वाई प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होता है, जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस इसका आंसर, इसलिए के में आंसर आया है। तो ये मुझे इसको देख के ही पता चल जाना चाहिए था कि इसका आंसर आएगा ही के में, इसीलिए आई और जे दोनों क्या हो गए हैं, जीरो, जब हमने कैलकुलेशन की। तो कॉन्सेप्ट ने भी हमें बताया कि आंसर के आएगा, कैलकुलेशन ने भी हमारा आंसर के निकाला। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो जो बातें इसमें बोली गई हैं एक एक चीज को अपने पास नोट करके रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर पता लगाना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो हमें मालूम है कि ऐसा यूनिट वेक्टर हमने कहाँ सुना है, क्रॉस प्रोडक्ट में सुना है, जिसमें हमें मालूम है कि जो एन कैप हम लिखते हैं, हमें एन कैप बोला गया फाइंड करने के लिए इस बार, ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो हमने इसको यूज किया, हमने लिखा एन कैप इक्वल टू क्या हो गया, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय, ये जो ए बी साइन थीटा होता है ये क्या होता है, ये ए क्रॉस बी नहीं होता, ये होता है मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ये हमने ए क्रॉस बी निकाला पहले, ये मैंने शॉर्टकट मारा है, आपने इसको प्रॉपर करना है। जब तक आप प्रॉपर नहीं करोगे इसका डिटर्मिनेंट तब तक आंसर नहीं आएगा। तो इसका प्रॉपर डिटर्मिनेंट निकालने के बाद मुझे ये जो रिजल्ट मिला, इसका मैंने फिर क्या निकाला, इसका मैंने मैग्नीट्यूड निकाला। कैसे निकालते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर भी प्लस ही आएगा, इसलिए मैंने बोला नहीं माइनस। तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 27, अंडर रूट ऑफ 27 को 3 अंडर रूट 3 लिखा, सब कुछ किया, जो हमारा डॉट प्रोडक्ट आया था ये इससे डिवाइड कर दिया, किसको, मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ये है, इससे डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एन कैप। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो आपने करना है, फाइंड अ वेक्टर हूज लेंथ इज 7, उसकी लेंथ 7 है और परपेंडिकुलर है, तो आंसर आ गया 7 एन कैप। एन कैप आपको अभी निकालना सिखाया मैंने, तो मैग्नीट्यूड लेकिन 7 चाहिए, तो हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 तो उसका मैग्नीट्यूड है, 7 इज द मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कौन बताएगा, वो कह रहा है परपेंडिकुलर चाहिए दोनों वेक्टर्स के, जैसे पिछली बार चाहिए था। तो एन कैप, पिछली बार उसने बोला था यूनिट वेक्टर फाइंड करो, तो हमने सिर्फ एन कैप फाइंड किया, हमें मैग्नीट्यूड वहां 1 चाहिए था, यहां मैग्नीट्यूड 7 चाहिए, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंट होता है टॉर्क भी बोलते हैं इसको, मोमेंट ऑफ द फोर्स को टॉर्क भी बोलते हैं। आप याद रखोगे, हमने डिटेल्स में अभी बहुत दूर है वो चैप्टर जिसमें हमने ये टॉर्क पढ़ना है, लेकिन अभी आप सिर्फ इतनी बात याद रखोगे कि टॉर्क जो है ना, जैसे हमने कल पढ़ा था वर्क डन के बारे में, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी वर्क डन, डॉट प्रोडक्ट में वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है एफ वैक्टर डॉट एस वैक्टर, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर, ये हमने किया था। हमने पढ़ा था पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स वैक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। लेकिन टॉर्क अगर निकालना हो, जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इसको टाओ बोलते हैं, टी जैसा दिखता है लेकिन है टाओ, टाओ किसकी रिप्रेजेंटेशन है, टॉर्क की। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वो कैसे निकलती है टॉर्क, इट इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। एफ तो आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, और कुछ कहानी लिखी है उसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम हमने बाद में भी करना है, लेकिन अभी क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे तो मैंने कहा चलो आपको करवा देता हूँ। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के बोला गया है कि ये एक मान लो रॉड जैसी है, इसको रॉड मान लो, ठीक है। इसके इस एंड, ये वाला एंड जो है इसका, ये फिक्स्ड है, ये वाला ओपन है, और मैं जब यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो रोटेशन होगी, ये घूमेगी टॉर्क, ये वाली रॉड घूमेगी आगे की तरफ, ठीक है। इस पे मैंने फोर्स लगाई वो मुझे गिवन है, किस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाई वो भी मुझे गिवन है, और किस पॉइंट के अबाउट होता है जहां वो फिक्स है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो आपका है ये गिवन है आपको, देखो अबाउट द पॉइंट, ये पॉइंट है 1, -1, -1, और जिस पॉइंट पे लगाई गई है वो है 1, -0, -2, ठीक है। ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हो ये डायग्राम जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि हमने फोर्स P पॉइंट पे लगाई है,
हमारी फोर्स कितनी लगी है वो हमें गिवन है, और किस पॉइंट पे ये घूमेगी रॉड, जिस पॉइंट पे मैंने इसको फिक्स रखा हुआ, यहां से मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो ये रॉड पूरी घूमेगी। घूमने वाली चीज जब होती है तो उसको हम टॉर्क निकालते हैं, बस इतनी बात छोटी सी याद रखो, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है इसकी, हमें सिर्फ यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट सीखनी है। तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आपको आर वेक्टर निकालना मैंने सिखाया हुआ है, आर वेक्टर इज 1-1 इंटू आई, 0-1 क्या हो गया जे, और -2 -1 इक्वल टू इंटू के। तो ये हमने मैंने निकाल के रखा है, आर वेक्टर निकाल दिया, एफ आपको गिवन था, मैंने दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, मुझे ये टॉर्क मिल गया। अगर कोई पूछता कि इसका मैग्नीट्यूड भी निकालो टॉर्क का, तो हम निकालते कैसे, अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर +-3 का स्क्वायर +-3 का स्क्वायर 9, 9+9 18, 18+1 19, तो अंडर रूट 19 न्यूटन मीटर होते हैं इसके यूनिट्स, न्यूटन मीटर। तो अगर ऐसे बोला होता टॉर्क निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो सिर्फ, तो हम ऐसे निकालते, लेकिन मैंने जो निकाला इसको कहते हैं कंप्लीट वेक्टर फॉर्म में हमने निकाला उसका आंसर। थैंक यू वेरी मच।